लास्ट टॉपिक है जी इस चैप्टर का, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि कोरोजन क्या होती है और इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने रस्टिंग के बारे में तो सुना होगा, ये आयरन जो है इसको ओपनली रख दें तो कुछ अर्से बाद जो है इसके ऊपर रस्ट यानी जंग लग जाता है। तो रस्टिंग इज़ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन, यानी एक मेटल जो है ये किस में चेंज हो जाती है, ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट में, हाइड्रोक्साइड में, ड्यू टू इन्वायरमेंटल एक्शन। ये जो इन्वायरमेंट है ना हमारी, जो हमारी एटमॉस्फियर है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें मॉइस्चर है यानी वाटर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेटल के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और मेटल जो है वो मेटल नहीं रहती, क्या हो जाता है उसका कंपाउंड बन जाता है, ऑक्साइड बन गया, कार्बोनेट बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। जब मेटल इन तीनों चीज़ों के साथ इन कॉन्टैक्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, आपने देखा होगा कि आयरन जो है अगर उस जगह पे स्टोर किया जाए जहाँ पे मॉइस्चर हो तो जंग बड़ी जल्दी लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जंग बड़ी जल्दी लगता है। तो होता क्या है, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज़ आल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। क्यों? जब भी कोई मेटल किसी कंपाउंड में चेंज होगी तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वाटर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें जो हैं उस मेटल को मेटल नहीं रहने देती, किसमें कन्वर्ट कर देती हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज़ रिडॉक्स प्रोसेस, यानी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे है जो नेचुरली होता है, यानी इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी मेटल को रख दें एटमॉस्फेयर में, आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे कि उसको जंग लगना शुरू हो गया। तो कोरोजन जो है ये क्या है, ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें मेटल जो होगी, मेटल जो है ना इसकी होती है ऑक्सीडेशन, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। आयरन जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके फेरस में चेंज हो गया। अब जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, इसकी क्या होती, यानी ये ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने और इलेक्ट्रॉन लेकर ये किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन और ये हो गई रिडक्शन। ये ऑक्साइड जो है मेटल के साथ मिलकर क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये इलेक्ट्रॉन मिलके कार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, और ये फिर जो है मेटल के साथ स्लोली जो है उसको कार्बोनेट में चेंज कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। जैसे वाटर जो है ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा। अच्छा जी, ये आपके सामने जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कोरोजन क्या है। कोरोजन जो है मेटल का स्लोली चेंज होना, किस में, ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, हाइड्रोक्साइड में, ये किस वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीजन जो है ये भी हो सकता है, ऑक्सीजन जो है एच पॉजिटिव, ठीक है जी, ये और इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेकर जो है ये चेंज हो जाए वाटर में। अब इसको बैलेंस करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये भी हो सकता है प्रोसेस। ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन पिक करके ये किस में चेंज हो जाए, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वाटर और ये OH में चेंज हो गए। यानी ये सारे प्रोसेस जो हैं ये रिडक्शन के हैं, दिस इज़ रिडक्शन एंड मेटल जो है, कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं एयर में जो मौजूद हैं। अब एच पॉजिटिव कहाँ से आया, एयर में एच पॉजिटिव कहाँ से आता है? एच पॉजिटिव जो है, मैंने आपको बताया कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर में है ना, तो ये किस में चेंज होंगे, कार्बोनिक एसिड में। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या चेंज करेगा, इसमें एच पॉजिटिव बनेगा और कार्बोनेट आयन बनेंगे। तो ये जो एच पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन है ये आ गया ना, कार्बोनेट, ये एच पॉजिटिव जो है ये प्रोसेस में यूज़ हो सकता है, कार्बोनेट जो है ये मेटल के साथ।
तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, ये आपके सामने मैंने ये चीज़ें बताई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको यानी मेटल जो है ये क्यों ग्रोथ होता है, इसको हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बेसिस पे देखें कि क्यों जो है मेटल जो है उसकी क्रोयन क्यों होती है। सपोज़ आयरन जो है इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सारे क्या हैं रिडक्शन दिए हुए हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन का क्या है, ये रिडक्शन जो है ये -0.44 वोल्ट है, और ये जो ऑक्सीजन है H पॉजिटिव है, ये वाटर बना रहा है ऑक्सीजन H पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मिलकर किस में चेंज हो रहे हैं, वाटर में, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 ये किसके इक्वल है, ये मैं थोड़ा सा इसको यानी दिस इज़ थ्योरी कि क्रोयन की थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी ऑफ क्रोयन। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने आ गया, इसके बाद ये देखें कि जो वाटर बना इसको आप यहाँ दो हैं तो दो से करें तो ये चार हो गए और दो इलेक्ट्रॉन, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये 1.23 है, ये वैल्यू है। अब मुझे ये बताएं कि ये आपके सामने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो रिड्यूस नहीं होता, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब ये है कि जो आयरन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस में है, तो आयरन जो है ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और यही दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हो गई ऑक्सीडेशन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो तो वो क्या होता है जी, एनोड, तो आयरन बन गया एनोड, आयरन बना एनोड। अब जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन और H पॉजिटिव ने ले लिए जो सराउंडिंग में, तो ये किस में चेंज हो गया, वाटर में, ठीक है, तो ये क्या हो गई रिडक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या हुआ, नेट रिएक्शन ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव है चार, ये कहाँ से आएंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आएंगे वहाँ से, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, Fe पॉजिटिव 2 एंड वाटर, वाटर के साथ 2 लगा लें। अब अगर E0 सेल जो है ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ये किसके इक्वल आएगा, ये होता है जी कैथोड और एनोड, यानी कैथोड एनोड पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। अब कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, कैथोड और एनोड, कैथोड पे आपको बताया हुआ है मैंने क्या होती है रिडक्शन, तो अगर आप इनकी वैल्यू को पुट करें तो कैथोड पे हुई रिडक्शन और इसकी वैल्यू है ये प्लस 1.23 -0.44, तो अगर आप इनको ऐड करें तो प्लस 1.23 प्लस 0.44, तो आंसर जो आएगा ये प्लस में आएगा 761 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब एक बच्चा कहता है जी ये फायरसाइन अकेले तो नहीं रहेंगे, भाई फायरसाइन कहाँ अकेला रहेगा, ये H पॉजिटिव भी तो है ना, H पॉजिटिव भी तो अकेला नहीं होता, H पॉजिटिव का मतलब है कि आप ये देखिए H पॉजिटिव ये कैसे आया था, कार्बोनेट से, ये H पॉजिटिव, ये दो है, दो H पॉजिटिव है, वहाँ पे कितने यूज़ हो रहे हैं, चार, तो आप इसको डबल कर दो, डबल डबल करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड जो है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनेट में चेंज हुआ और 4H पॉजिटिव में, ये 4H पॉजिटिव तो यहाँ यूज़ हो गए, आपके पास कार्बोनेट बच गए हैं, ये जो कार्बोनेट हैं ये दो फेरस आयन के साथ मिलकर फेरस कार्बोनेट बन जाएगा, यानी फेरस जो है वो किस में चेंज हो गया, फेरस कार्बोनेट, फेरस नहीं है, आयरन किस में चेंज हुआ, फेरस कार्बोनेट में, तो दिस इज़ अ कंपाउंड ऑफ आयरन, तो क्रोयन हो गई ना, तो दिस इज़ दी थ्योरी ऑफ क्रोयन, कि क्रोयन इज़ रिडॉक्स प्रोसेस। मेटल जो है इसमें क्या होती है, मेटल क्या होती है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है, और जो एयर में ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो हैं
रिड्यूस होती है, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हैं, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हैं वो रिड्यूसिंग। अब हम इस क्रोयन को कैसे रोक सकते हैं, नेक्स्ट क्या है टॉपिक, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में जहाँ पे आयरन की चीज़ें होती हैं यूज़, मसलन ग्रिल में है या गेट है आयरन का बना हुआ, तो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट जो है ये क्रोयन को रोकता है। असल में मेटल जो है उसके ऊपर जब पेंट की कोटिंग हो जाती है ना, तो वो मेटल एयर यानी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि मेटल जो है और एटमॉस्फेयर उसके दरमियान में पेंट आ गया। तो एक तो ये है कि हम पेंट से रोक सकते हैं, यानी प्रिवेंशन जो है ये नंबर वन पेंट से की जा सकती। पेंट आप मेटल के ऊपर पेंट कर दें, क्रोयन रुक जाएगी। दूसरा ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी क्रोयन जो है वो रुक सकती है। ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग, जो मेटल जो है कोट की जाती है वो रिएक्टिव नहीं होती, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, या ऐसे समझ लें कि आपने आयरन को प्रोटेक्ट कर लिया उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करके जो रिएक्टिव नहीं है, जैसे टिन की आमतौर पर कोटिंग की जाती है, टिन मेटल जो है ये पहले वक्तों में भी पांडे कली करा लो, टिन कली को कहते हैं, तो कॉपर के बर्तन हैं, आयरन की शीट्स हैं, उनके ऊपर अगर टिन की कोटिंग कर दी जाए, ये घरों में जो कुकिंग ऑयल वगैरह आपके पास आता है ये आयरन के कैन होते हैं, इनके ऊपर टिन की कोटिंग होती है। क्लियर हो गया जी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एक और भी है टेक्निक, वो है जी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कर दें, यानी आयरन के ऊपर, आजकल आपने देखा होगा ये स्टील के जो कीलें आती हैं ना बाज़ार में, वो असल में आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग है। तो ये जो है तीन मेथड हैं जी जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं क्रोयन की। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली, ये सारे जो हैं आपको क्रोयन बताया गया, इसमें बैटरीज बताई गई, इसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस बताया गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताया गया, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये किससे थे, इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड थे। इसके अलावा आपको इक्वेशन बैलेंस करना वो भी बताया गया। तो ये इस चैप्टर की जो है समरी है जो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह। कल जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।